TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, मेरा नाम सायरा है और मैं अपने तीनों बच्चों का केस लेके आपकी अदालत में आई हूँ। मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। ये मेरे बड़े बेटे फहाद हैं, उनके बाद मेरी ये छोटी बेटी आयशा हैं, इनके बाद सबसे छोटे बेटे मेरे ये खुर्रम हैं। मेरे हस्बैंड की 6 माह पहले इंतकाल हो चुका है और उनके इंतकाल के बाद मैं इद्दत के बाद से मैं बहुत परेशान और डिप्रेशन में चली गई हूँ कि खुदा ना खास्ता मुझे भी कुछ हो जाएगा तो मेरी ये शहजादी, मेरी लाडली जो बेटी है, उसका खुदा ना खास्ता क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसके वालिद ने और मैंने, इनके बाबा जान ने इतना लाडो प्यार से, इतने शहजादी की तरह इसे पाला है ना कि हम बता नहीं सकते। इनकी शादी हो चुकी है, इनकी शादी हो चुकी है, ये बे औलाद हैं, इनकी औलाद नहीं हो सकती और इनके शौहर का कुछ काम भी नहीं है। जो पहले करते थे फिर काफ़ी नुकसान हुआ, अब उनके पास कोई कामकाज नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो घर की, जो हमारे शौहर की और मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें से ये दोनों भाई इसे या तो हिस्सा दे दें, या फिर मैंने एक मशवरा अपने दोनों बेटों को दिया है। मैंने बड़े बेटे फहाद को और सबसे छोटे बेटे खुर्रम को कि माशाल्लाह इनका कारोबार बहुत ही वेल सेटल है, अल्लाह इन्हें और अता करे। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों मेरे बेटे अपनी बहन को 50-50 हज़ार रुपये माहाना अदा करें ताकि वो अपने घर का जो है वो किराया, घर का खर्च, अपनी सारी चीज़ें मेंटेन रख सके, क्योंकि मेरे दामाद का भी कारोबार नहीं है। तो वो मैं चाहती हूँ कि कभी जो है वो दुखी ना हो कि खुदा न खास्ता, जैसे अब इनके बाबा भी हंसते खेलते दुनिया से चले गए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मेरे अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो सेफ्टी कर दूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी के लिए इस अदालत में मैं आपके पास आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए आपसे। जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत छोटी उम्र है इसकी। तो जी जी तो जी मेरा बच्चा। जी मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। पहले मैं जाती थी अपने मैके तो एक खुशहाल माहौल था, बाबा थे, तब तक तो सब सही था। बस बाबा के जाते ही अचानक भाइयों ने आंखें फेर ली, मुझसे पूछते नहीं है कि मैं कैसी हूँ। मैं इतना इतना परेशान रहती हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता। अभी अम्मी माशाल्लाह आपकी जिंदा हैं, आपका मेकअप माओ से होता है और माँ जिंदा है तो आप बेफिक्र बस रहें। अम्मी हैं इसीलिए मैं रोज आती जाती हूँ अम्मी के पास, अम्मी के पास ही आती हूँ। टेंशन लेने से आपका आज खराब हो जाता है। आपका अपना आज एंजॉय करो, कल जो होगा वो अल्लाह देखेगा। जिसने पैदा किया है वही सारे इंतजाम भी वही करता है। ख्वाजा साहब, आपको अम्मी ने बताया मैं बे औलाद हूँ, आपको पता है कि ये बहुत बड़ा गम होता है, ये एक औरत के लिए कोई छोटी बात तो है नहीं। इस वजह से मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं कि अभी तक उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, ना कोई दूसरी शादी करी, वो मेरे साथ रह रहे हैं, निभा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ निभा रही हूँ। अच्छी बात है। मसला ये है कि मेरे अब भाइयों से मैं चाहती हूँ कि सपोर्ट मिले, तो वो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे। मेरे हस्बैंड की जो तरबियत की गई है, वो एक बिजनेसमैन है, वो उनका एक अंडरगारमेंट की फैक्ट्री थी जिसकी वजह से लॉस हुआ है, तो वो सब कुछ खो बैठे। तो अब वो हैं कि कभी कभी छोटा छोटा काम आ जाता है कोई, तो वो कर लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो उसी से गुजारा हो जाता है। बाकी तो हमारी कोई मंथली इनकम नहीं है कि कोई अच्छा गुजारा हो, कोई मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए या मैं अपने लिए कुछ ले लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब मैं अपने भाइयों के पास आई हूँ कि वो मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, कि मेरे मंथली इनकम दे दें मुझे, कि मैं अपना घर चला लूँ, मैं थोड़ा सुकून की ज़िंदगी गुजार लूँ। तो मेरे भाई मेरे साथ ही नहीं खड़े हैं, आए हुए हैं। जी भाई, आपने सुनी आपकी बहन और अम्मी की बात? जी बिल्कुल मैंने सुनी। अच्छा, बात दरअसल ये है ख्वाजा साहब कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं हम सब और एक ही ख़ानदान में पले बड़े हैं जी, उसके बावजूद आप इससे ये पता कर सकते हैं कि हम इस नहज पे कैसे पहुँच गए कि आज हम अपने जायदाद के और अपने ख़ानदान के बिखेरे और ये सब चीज़ें कर लें। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती। दूसरी बात ये कि आप इससे ये पूछ सकते हैं कि आपके हम अब्बू के इंतकाल के बाद मेरी तरफ से या मेरे भाई की तरफ से कभी इसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी ना की गई हो, किसी भी चीज़ में इसको कमी पेशी की गई हो। ये अम्मी इसका टोटल खर्चा जो है वो बर्दाश्त करती हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो अम्मी की तरफ से ही इसको जो है मुयसर है। ख्वाजा साहब जब तक बाबा थे तब तक ये मामला सब सही थे, तब तक इनको कुछ बुरा नहीं लगता था। अब इनको मेरे कपड़े भी दिख रहे हैं, मेरी माँ का सपोर्ट करना भी दिख रहा है, अपनी ही पेंशन बाबा की पेंशन में से ला के देती है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ख्वाजा साहब कि इसका मामला ये है कि जब ये इसके घर, इसका जो घर है वो टोटल जो है वो हमारे गली से, हमारे घर से 2 गली पीछे ही है। मैं आपको टोटल इसका पूरा बैक फ्रेम बताता हूँ। वो ये कि मेरे वालिद की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है और एक जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो है वो नाज़ माबाद के एक एरिया में है मेन रोड पर, जिसकी तकरीबन जो अब उसकी जो वैल्यू है तकरीबन 7 करोड़ से ऊपर है माशाल्लाह। तो जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त जो थी वो कम थी। बहरहाल अब उसके अंदर ये है कि मैं जो हूँ उसके ग्राउंड फ्लोर पर जो है अपना रेस्टोरेंट चलाता हूँ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैंने इसी में ही अपना एक्सपर्टीज़ मेरी है तो मैं उसी को रेस्टोरेंट को रन करता हूँ। दूसरी बात कि जो उसकी जो ऊपर के 2 फ्लोर हैं उसमें मेरा जो खुरम भाई हैं ये अपना जो है कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, कोचिंग सेंटर। इनकी मिसेस भी उनके साथ जो है वो रन करती हैं। तो अब ये हमारी आमदनी का ये एक ही ज़रिया है। अब इसमें यह है कि और जो मेरा जो घर है उसमें जो वालदा के लिए हमने जो है फर्स्ट फ्लोर मुकर्रर किया हुआ है, उसका जो है वो उसमें वहाँ रहती हैं ये, और जो ग्राउंड फ्लोर है उसका जो है रेंट आता है वो पूरा का पूरा वालदा को जाता है। और जो उसका जो सेकंड फ्लोर है उसको हमने हाफ पोर्शन जो है मैंने और मेरे भाई ने जो है इसको जो है अपनी रिहाइश रखी है। जी हमने रिहाइश रखी है। अब मामला ये है कि हमारा जो घर का माहौल है बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसका मुझे नहीं पता कि ये इस वक्त इस तरह के मामला कैसे हो गए, इसको किसने बैक बाइटिंग करी है कि इसको जो है जायदाद के मामला में जो है ये पड़ गई है कि जायदाद नहीं, बैक बाइटिंग तो नहीं है। आजकल बाकायदा मेरे ख्याल में टीवी पे इश्तिहार भी आते हैं ख़वातीन को हिस्सा देने के लिए कि वो तो इस्लामी कानून है और बेटियों को हिस्सा देना है, बहनों को भी देना है। तो अब ये तो अल्लाह का कानून है, शरीयत का कानून है, लेकिन अब शुक्र है कि अब ये जब से अवेयरनेस आ रही है तो हमारे मुल्क में मैं देखता हूँ कि टीवी पे बाकायदा प्रोग्राम भी आते हैं और इश्तिहारात भी आते हैं कि बेटियों को हिस्सा दें, बहनों को हिस्सा दें। और हुकूमत भी इस सिलसिले में लड़कियों को सपोर्ट कर रही है कि उनको हिस्सा देना चाहिए जायदाद में से जो उनका बनता है। आपका तो चलो ये एक घर का मसला है। यहाँ मैं ये देखता हूँ कि अब्बा जो है 500 एकड़ 1000 एकड़ ज़मीन छोड़कर मर गए हैं, बहन को 1 एकड़ भी नहीं देते। 500 एकड़ पे वो भाई बैठे हुए हैं, वो ज़मींदार बने हुए हैं और वो बहनें जो हैं वो 1000 गज के मकान में रह रही हैं। लेकिन मेरी अर्ज़ सिर्फ इतनी है ख्वाजा साहब जी। इसको जो है किसी किस्म की तकलीफ वाले साहब के इंतकाल के बाद नहीं हुई है, अल्लाह ना करे ये, क्योंकि जब भी लेकिन मैं वो जैसे उस बच्ची को मैंने पहले बताया कि ये खौफ में मुब्तला है, फ्यूचर के खौफ में। और अम्मी ने भी वही बात की कि अगर मैं मर गई तो फिर क्या होगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, अभी आपके मरने का कोई चांस नहीं है और माशाल्लाह आप सेहतमंद हैं, जवान हैं। तो सर मैं अगर इस पे अगर कुछ आप कहें जी तो बेटा आप बताओ। तो अगर जिस तरह की इनको इनसिक्योरिटी लग रही है अपने लिए, तो इनसे ये पूछें कि अपनी ज़िंदगी में वालिद साहब ने 120 गज का एक घर इसके नाम पर किया था जो इसके शोहर ने बेचकर आज तक इसको पागल बनाया हुआ है कि मैंने कहीं फ्लैट खरीदा। इससे पूछें वो फ्लैट का है, वो वालिद साहब ने इसको 120 गज की जगह दी बेचा था ताकि हम कहीं और अच्छी जगह घर ले सकें। वो न्यू कंस्ट्रक्शन है, वहाँ अभी तक काम चल रहा है, 6 साल से वहाँ पर काम चल ही रहा है और आज तक उसने हमें विजिट नहीं करवाया, नहीं मिल रहा। नहीं सर ये एक अच्छा आपने ये बात की, तो आपके तवसत से मैं ये बात यहाँ भी कह दूँ मीडिया में कि ये बहुत से बिल्डर्स हैं, उन्होंने लोगों से एडवांस लेके उनका पैसा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं। और जिन लोगों के पैसे से वो प्रोजेक्ट्स नए ख़रीद रहे हैं वो बेचारे लटके हुए हैं और उनको ना फ्लैट कंप्लीट करके देते हैं और ना ही उसमें उनको पोजेशन देते हैं। तो ये इसमें नैब में इसमें एक्शन दिया था, इसको चीटिंग एट लार्ज का ऑफेंस का दर्जा दिया था और उसमें कई बिल्डर्स को पकड़ा भी है, उन पर मुकदमे भी चलाए हैं और उनसे लोगों को पोजेशन भी दिलाए हैं। और अभी ये नैब लॉ में जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं शायद उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक 100 आदमियों की कंप्लेंट ना हो, उस वक्त तक चीटिंग एट लार्ज नहीं होता और 10 आदमियों की कंप्लेंट पे आप चीटिंग एट लार्ज का केस नहीं बना सकते। लेकिन ये बेशुमार बिल्डर्स हैं कराची में जिन्होंने लोगों का पैसा दबाया हुआ है और उनको पोजेशन नहीं दे रहे। मैं एक वक्फा लेता हूँ, ये हम टॉपिक से हट गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आवाम की मालूमात के लिए, चूँकि हमारा काम है कि ये भी लोगों को बताएं कि उनके साथ कौन कौन कहाँ कहाँ ज्यादती कर रहा है, वो भी बताना है। ये जो बिल्डर आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये आबाद इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अप्रोच करें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कंप्लेंट करें और वो आपको पोजेशन दिलाए। वहाँ भी अफसरान जो है वो बस बैठे हुए हैं और बिल्डरों से मिल जाते हैं और कोई बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही, हालांकि टाइम फ्रेम है कि इतने अरसे में बना कर देनी है पोजेशन। वो 100 फ्लैट अगर बनाने हैं, 1000 आदमियों से उन्होंने पैसे ले लिए हैं और डिलीवर करने के लिए 100 टोटल है और वो 1000 आदमियों का पैसा यूज़ कर रहे हैं और ये अदारे जो हैं उनसे मिले हुए हैं, जो सरकारी अदारे जिनका ये काम है उनको पकड़ना, वो पकड़ते नहीं हैं, उनसे मिले हुए हैं। तो हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद फिर आपके केस की तरफ वापस आते हैं। ये तो एक बीच में एडिशनल मैंने बात कर दी थी। तो आपसे बात हो रही थी तो बीच में फिर मैं वो बिल्डर माफिया के लिए आ गया और थोड़ा हम टॉपिक से हट गए थे। ये मैं फिर दोबारा आज अपने प्रोग्राम के हवाले से मैं अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि लोगों को, गरीब लोगों को, ख़ास तौर पे सैलरीड लोगों को ये बिल्डर्स माफिया से निजात दिलवाएं, जो कि इनके पैसे दबा के 8-8 साल 10-10 साल से बैठे हुए हैं और ये लोग बेचारे किराए के मकानों में रह रहे हैं और इस चक्की में पिस रहे हैं और इनका पैसा इस्तेमाल करके बिल्डर्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं और ये लोग वहाँ के वहाँ उसी किराए के मकान में बैठे हुए हैं। तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि कोई एक्शन ले और कवानीन तो हैं, सिर्फ उनका इतलाक़ करें तो ये लोगों को रिलीफ मिल जाएगी। अच्छा, तो भाई अब आपके मसले पे आते हैं कि आपने बताया कि आपकी, हाँ आप बता रही थी कि आपके शोहर ने फ्लैट बुक कर रखा है 6 साल से, उसका कब्जा ही नहीं मिल रहा और वो मकान आपका बेच के, आपके अब्बू का मकान बेचकर और आप किराए के मकान में रह रहे हैं 6 साल से और वो बिल्डर आपके पैसों से मजे कर रहा है। जी जी। अच्छा, अब आप सास ससुर के मकान में रह रही हैं। जी जी, मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ क्योंकि वहाँ पर सारा पैसा लगा दिया था तो फिर फिलहाल हम लोग सास ससुर के पास शिफ्ट हो गए। ओके ओके, वेरी गुड। लेकिन आज तक इसके शौहर ने हमें वो जगह विजिट क्यों नहीं करवाई है, इससे ये पूछना है। खाली इसी को जाकर विजिट करवा कर सब दिखा कर लेकर आ जाते हैं। बात तो ये है कि वो तो मेरा गिफ्ट है ना। नहीं मतलब वो ये आपके भाई हैं, आपकी मदद कर दें, को थोड़ा सा बिल्डर को जाके खड़का दें। मेरी बेटा बात करूं कि वो आपके बाबा ने आपकी बहन को गिफ्ट दिया था, तो इस तरह तो फिर जायदाद का हिस्सा नहीं था। ये मैं जो बात लेकर आई हूँ वो जायदाद के हिस्से में से लेकर आई नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको कानूनी पोजीशन बता दूं कि जो वालिद अपनी जिंदगी में कोई चीज़ बाय रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड अपनी किसी बेटी, बेटे को या बीवी को दे दे, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड एक वो होता है कि ऐसे 100 रुपए के कागज पे लिख दिया, वो गिफ्ट डीड नहीं होती। अच्छा, ये जो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से अपनी जिंदगी में दे देता है को मरहूम, तो उसके मरने के बाद वो वाली प्रॉपर्टी जो उसने गिफ्ट कर दी है किसी एक बच्चे को या बीवी को, वो इनहेरिटेंस में नहीं आती। इनहेरिटेंस क्या है कि मौत के वक्त जो जो चीज़ मरहूम के नाम पर है, बैंक अकाउंट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स, प्लॉट्स, मकान, फ्लैट, जो भी उसके अपने नाम पे है, वो सारा इनहेरिटेंस में आ जाता है और वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से गवर्न होता है। कुछ लोग ये है कि अपनी ज़िंदगी में दे कर नहीं जाते, वो वसीयत कर जाते हैं। तो लॉ ऑफ विल हमारे यहाँ अभी इतना डेवलप नहीं हुआ और कुछ तो कहते हैं कि शरीयत में है ही नहीं मतलब विल, और इस वजह से पाकिस्तान में ये इतना डेवलप नहीं हुआ। इंडिया में लॉ ऑफ विल जो है, ये वसीयत का कानून, ये बहुत डेवलप हो गया है और बाहर मुल्कों में तो इतना ज़्यादा है कि लोग अपने कुत्ते और बिल्ली के नाम पे भी अपनी प्रॉपर्टी लगा देते हैं और उनको मिल जाती है। तो अब ये आपको समझा दूं कि जो वाले साहब ने अपनी ज़िंदगी में इस बच्ची को दे दिया फ्लैट, उसमें आपका हिस्सा नहीं है, वो इनहेरिटेंस में नहीं आएगा। आपकी जो चीज़ें हैं, आप रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं और आप कारोबार कर रहे हैं, आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, लेकिन वो आपके वालिद के नाम पे थी आखिरी दिन तक, तो वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आएंगी, वो शरीयत के मुताबिक बिटेंगी। भाइयों का डबल हिस्सा है, दो हिस्से हैं, बहन का सिंगल है और माँ को 1/8 शायद मिलता है। लेकिन उसके हवाले से अगर सर आप कहें तो मैं आपको एक और वाकया बता देता हूँ कि जब जो बात आपके दिल में खुल के करें, जब मेरी शादी हुई थी, जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी और मेरी शादी हुई थी, जो कि मेरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवाई थी, वब मैंने भी इसी तरह का बिहेवियर अपनाकर हिस्से की बात करी थी। तो वब यही मेरी बहन जो आज हमको कोर्ट लेकर आई है, इसी ने पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करके, बड़े भाई को, वालिद साहब को, सबको इकट्ठा कर मुझे समझाने के लिए पूरा एक मजमा बिठाया था, जिस मजमे में मुझे सबने समझाने के लिए एक चीज़, एक हमारे वालिद साहब ने तमाम हमारे रिश्तेदारों को बिठाकर उनकी मौजूदगी में, उन गवाहन की मौजूदगी में ये तय किया था कि जो रेजिडेंट प्लाट है, जहाँ हम रह रहे हैं, जो रेजिडेंट हमारी जगह है, उसका नीचे वाला हिस्सा जब तक मेरे वालिद साहब ज़िंदा रहेंगे और जब तक मेरी वालदा ज़िंदा रहेंगी, उसका रेंट मेरी वालदा को मिलता रहेगा। उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसमें वालिद साहब ने कहा था कि जब तक मैं और मेरी बेगम हयात है, हम इस पूरे पोर्शन पर रहेंगे। जो सेकंड पोर्शन है, वो उस पोर्शन पे हम दोनों भाई अलग अलग पोर्शन कर कर रह रहे हैं, एक ही फ्लोर पर। हमें तो उस रेजिडेंट पर भी वालिद की मौजूदगी में 1/4 हिस्सा मिला, हमें प्रॉपर हिस्सा नहीं दिया गया। लेकिन ये बाबा मेरी जिंदगी में ये फैसला इसलिए किया था, मुझे जरूरत नहीं थी, मेरे वालिद थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे देखने के लिए। हाँ तो मेरी वो बात मुकम्मल होने दो ना, कि उसी में तुम सब बेटा मेरी बात समझा दो। आपने जो बात की ना जी, वो वालिद साहब ने माशाल्लाह अपनी जिंदगी में, आप बता रहे हैं, सारे रिश्तेदारों को बिठा के जी बिल्कुल प्रॉपर्टी के बारे में, दिस इज बेसिकली अरेंजमेंट मैनेजमेंट, कि उसको मैनेज कैसे करना है। उसमें उन्होंने किसी को गिफ्ट नहीं किया, कोई इनहेरिटेंस नहीं दिया। अच्छा, एक बात बड़ी मजे की आपको बताऊँ, आपने कहा कि आपने हिस्सा मांगा। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि लोग वालदैन की हयात में उनसे कह रहे होते हैं कि हमें हिस्सा दो। मैं सारे लोगों को बता दूं कि हिस्सा मरने के बाद होता है। इनहेरिटेंस जो मिलता है, जिसको कहते हैं विरसा, तो विरसा मौत के बाद होता है, ज़िंदगी में विरसा नहीं होता। तो कोई भी बंदा अपने वालिद से उसकी ज़िंदगी में ये नहीं कह सकता कि मुझे हिस्सा दो। मेरे पास कंप्लेंट आई है। अच्छा, वो बेटा कहता है, देखिए साहब, हम 60 साल के हो गए हैं और ये 80 साल के हो गए हैं, इन्होंने तो फौत ही नहीं होना, तो ये तो हम भी मर जाएंगे, तो हमें तो मिलेगा ही नहीं। अरे भाई, नहीं मिलेगा तो अल्लाह से जाके पूछो ना। अब उनको मारना तो नहीं है ज़बरदस्ती तुम्हें हिस्सा देने के लिए। तो ज़िंदगी में कहता है हम 60 के हो गए हैं, अब हमें हिस्सा मिलेगा 80 में जाके, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें तो सूरत अब है। बोला, ये तो फौत ही नहीं हो रहे। मैंने कहा, नहीं हो रहे तो ये उनका नसीब है, अब तुम अपना नसीब रो, अल्लाह से तो नहीं लड़ सकता कोई भी। तो मैं सब लोगों को बता दूं कि वालदैन की ज़िंदगी में हिस्सा मत मांगे। वो जब तक जिंदा है, हर चीज़ उनकी है। जब तक आंखें बंद नहीं होती, आप अपनी हर चीज़ के मालिक हैं, माचिस से लेके और मकान तक, सब आपका अपना है। और जैसे ही आंखें बंद हुई तो सब कुछ 1 मिनट में चला गया और आपके वारस ऑटोमेटिक मालिक हो जाते हैं। ये मैं पब्लिक सर्विस मैसेज है। और इसी के ऊपर जो है, मैंने उस टाइम गलती की, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब सबकी रजामंदी से, इसकी भी रजामंदी से, वो अरेंजमेंट था और शुक्र है आप अभी तक उसी अरेंजमेंट पे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे भाई अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, मैं अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, अभी अपने फ्लोर पे रह रही हैं। बिल्कुल ऐसे अब सिर्फ थोड़ा इसका मसला है। तो ये सारा दिन हमारे घर पर ही तो रहती है। अच्छे है, मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं। ये सारा नहीं चाहती थी मैं पहले, आपके मैडम बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मेरे बरखुदार बहुत अच्छे हैं, बड़े बेटे भी छोटे। लेकिन जो इनकी बेगमात हैं, वो बेगमात सबकी ऐसी होती है, उन्होंने जो कभी आज ना हो जाए, इसके आने पे भी, मेरे बच्चे के आने पे भी उनको एतराज है। औरतें आए शौहर को बिगाड़ सकती है, उसका शौहर आके औरत को नहीं बिगाड़ सकता। अम्मी की बात सुनो बेटा, आप मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं इसकी मैंने थोड़ी सी तुमसे बात कर दी तुम लोगों से कि मेरे मुझे इसके मुतालिक मेरी बच्ची के कि मुझे अखराजात या जायदाद में से हिस्सा, तो आप लोगों ने तो अपने बच्चे तक भेजना नीचे बंद कर दिए कि नीचे आते ही नहीं है बच्चे फ्लोर पे मिलने ना बैठे। आपको उनका खाना पीना बुरा लगता है ना, आपने यही बात की, ये सारा दिन आपके पास आपकी बेगम आपके साथ होती है, इनकी बेगम तो नीचे उतरती नहीं है। 2 दिन पहले ये अगर मेरा ख्याल रखने दिए तो उसमें भी आप लोगों को एतराज है। मुझे बताएं आप भाईजान, आप मुझे बताएं आपकी बेगम कभी भी आकर पूछती है कि माँ ने नाश्ता किया नहीं किया? आपने कभी छोड़ोगे तो कोई नीचे आएगा ना, नहीं सारे टाइम आपकी बेगम ने कभी आज शाम तक वहाँ रहती हो, रात में अपने शौहर के लिए भी खाना हमारे घर से यहीं से पैक कर लेकर जाती है, और अगर हमें इसके साथ कुछ बुरा करना होता तो अब तक लेके जाती है। तुमसे कभी मैंने कहा तो फिर आप उसका ख्याल रख सकती है ना, तो और कौन सा आप लोग देने हैं? तुम्हारे साथ उतरती है नीचे नाजो नायाज से, बस अपने नाश्ता बनाया ऊपर गए, तो आप खाना समझेंगी तो वो बेटियां बनेंगी, जब तक बेटी को पढ़ाई नहीं करेंगी पूरे अपने बच्चे होते हैं ये, इसके बाद बच्चे तो हैं बच्चों को। चले हम डॉक्टर हैं, जरा सा वक्फा लेते हैं फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, अम्मी कह रही हैं कि आपकी बेगम ने कभी नीचे उतर के उनकी कभी खैरियत भी नहीं पूछी, कभी सलाम भी नहीं करती, आती हैं पूछती हैं इसको, अम्मी क्या कह रही है? अम्मी से पूछें। नहीं, कभी भी नहीं। आप इनकी बेगम उनके साथ होती हैं, काम करती हैं, चले कभी सलाम दुआ अगर नजरों से नजरें मिल गई तो। और इनकी बेगम साहिबा वो माशाल्लाह मेरी भांजी हैं, बहन की बेटी है सगी, पहले बहू बन जाए तो भांजी नहीं रहती है ना, नहीं तो कभी उसने पूछा है बेटा नीचे उतर के, तुम्हारी बहन को पूछेगी मेरे जाने के बाद? फिर आप खाला नहीं रही, नहीं मैं तो सास हो गई हूँ। ये हमें स्पेस ही नहीं देती हमारी वालदा के साथ टाइम गुजारने के लिए। दूसरी क्यों नहीं, अगर वो बेचारी आती है, मेरी शहजादी है, मेरी रानी है, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा की हयाती में हमने इसे कैसे रखा है, रोज आने पर हमने हाथों को छाला बना के रखते थे, उसके रोज आने पर हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, लेकिन हमारे ना आने पर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। नहीं आप भी तो सोचो, पहले भी तो आप लोग उठते थे बैठते थे, कभी भी नहीं अम्मी सलाम अलैकुम क्या हाल है क्या, आज तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप बच्चे नीचे भेजना बंद कर देते, क्योंकि ये उसके साथ मिलकर गिनती हैं कि मेरे तुम्हारे बच्चे सारा सारा दिन यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते, हमने भेजना छोड़ दिए। बच्चे आते हैं इतनी मोहब्बत से रखती हैं, इतनी मोहब्बत करती हैं, क्या कुछ लगाओ मेरे बच्चे, दादी की तो जान होते हैं बच्चे, बच्चे तो मेरी जान है। मैं कैसे, आज मैं 2 दिन से डिप्रेशन में चली गई हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने नहीं आ रहे, और अभी उनको रोड पर लाने के लिए आप यहाँ पहुँची हुई हैं, कैसे रोड पे ये कारोबार होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, ये काहे की मोहब्बत है? जब कारोबार खत्म करोगे हम रोड पर आ जाएंगे। मुझे कोचिंग सेंटर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता, भाई ने घर सा वाली साहब के साथ दिया, अभी अकेले उस रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, उन्होंने एजुकेशन नहीं की, वो क्या कारोबार करेंगे? तो उसके बाद उसके भी मामला इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी कभी भी हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे के फाइनेंशियली मामला वाली साहब ने जो बर्बली कहा, हम उस चीज पर आज तक डटे में, इनसे 6 महीने में मुकर गई है, तो अभी 6 महीने नहीं हुए वालिद को गए हुए, ये वही वालिद साहब की लाडली जिसने बिठा कर सबको वो तय करवाया था जो वर्बली था, बेशक वो कानून की नजर में आप कह रहे हैं कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम औलाद की नजर पे तो उसकी वैल्यू है। नहीं अरेंजमेंट तो है ना और चल रहा है माशाल्लाह, हम उसको खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रही है, मैंने आपकी वालदा को सुना है, कोई ये नहीं कह रही कि आप अपनी जगह छोड़ें या कुछ करें, उनका कहना यह है कि मतलब आप लोग सारे सेट हैं, मेरी बेटी सेट नहीं है, तो इसके लिए कोई अरेंजमेंट या तो आप लोग कर दें। अगर जिस तरह हम उसको अरेंजमेंट करेंगे, आपने देखा है कोरोना के बाद से किस तरह के हालात, सबके कारोबार खत्म हो गए, 24 महीने हमने अपने स्टाफ को किस तरह संभाला, वो 24 महीने में ये बहन वब भी हमारे घर आती थी अपने शौहर के साथ, हमने वब भी मना नहीं किया, इसके सास ससुर ने क्यों नहीं? भी बैंक में अफसर थी, मां से रिटायर हुई हैं, उनको पेंशन मिल रही है जी, आपके वालिद साहब भी सरकारी मुलाजिम थे, उनकी भी पेंशन आ रही है, उनकी भी पेंशन आ रही है, तो 2 पेंशनें ऑलरेडी आ रही हैं, और एक रेंट भी आ रहा है, इनके एक रेंट भी आ रहा है, तो फिर ये लोग आप पे डिपेंडेंट नहीं है, बहन आपको टेंशन क्या है? मुझे आप बताएं, रेंट तो 2-3 माह मेरे पास नहीं आता क्योंकि इनकी खुद साली साहिबा रह रही है मेरी छोटी भांजी, उसमें कभी 2 माह नहीं देती है, कभी 3 माह नहीं देती। मैं पेंशन जाता है लेकिन हमारे लेकिन बेटा मैं तुम लोगों का रवैया देख रही हूँ। हमने अपनी सेविंग से अपने बच्चे भी संभाले, अपने मुलाजिम भी संभाले। बब हमारी वालदा ने हमारा तो नहीं सोचा कि ऊपर मेरे पोते पोतिया क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे टेंशन थी। आपको आपने कभी पूछा कि बाबा चले गए हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है? क्यों नहीं पूछा? हम सुबह शाम पूछते हैं, सुबह शाम पूछते हैं, जरूरत है जो हम पूरी नहीं करते। मैं ही पूछती हूँ जब हम घर पे आती है तो मुझे 1 कप चाय मिलती है, जब हम घर पे आपकी बेगम आती है बेटा मेरे पास जो है वो बहुत है, तुम अपना देखो, तुम अपना देखो। जब अपना देखने निकलते हैं तो दिखाते दिखाते फिर यहाँ ले आते हैं। अपना कैसे हो सकता है भाई, आप खुद बताएं मुझे। हम तो चला रहे हैं भाई, तुम्हारे शॉर्ट से नहीं चलता तुम्हारा। और मैंने बोला था उस लड़के से इसकी शादी नहीं करवाओ, बचपन का इनका दोस्त थे उनसे इसकी शादी करवा दी। शुरू से मुझे वो लड़का समझ में नहीं आ रहा था, आज यहाँ तक ले आया। वो हमारे वाली साहब को 6 महीने नहीं हुए गए, सारी चीज मेरा घर बसा हुआ। इन भाइयों को बुरा लग रहा है, इनको पता है क्योंकि हमारा बसा हुआ घर दुनिया की किताब में लिख दिया कि औरत ही आकर भाइयों को भिखाती है। क्यों दामाद आकर बेटियों को नहीं भिखा सकते? भिखाया ये सामने मेरे वाले ने दिया हुआ तोहफे का जो घर था वो कहाँ है? वो भी सामने लाकर रखे ना। मैं अभी जो मैं वो कर रही हूँ जो प्रॉपर्टी में से मेरा और मेरे शौहर की प्रॉपर्टी तो आपके शौहर ने दिया था ना, ये मेरे वाली साहब ने इसको दिया था, वो तोहफा था। तो वो तोहफा दामाद पैसे लेकर चला गया, वो आपको फिक्र नहीं है। हम आगे से मजीद माशाल्लाह अल्लाह ने आप दोनों भाइयों को भी बेटे बहुत दिया है, तो अपनी बाबा ने करोड़ों की जायदाद पर हालात तो बेटा चलते ही रहते हैं। हालात और अच्छे हो गए, 200 स्टूडेंट थे ऑनलाइन में, ऑनलाइन क्लासे ले लेकर मेरे 100 स्टूडेंट रह गए। अब मुझे बताया मेरी भाभियों ने अब जाकर मुझ पे इल्जाम तराशियां शुरू कर दी। इनकी खुर्रम की वाइफ मेरी किरदार कशी करती है, वो मुझ पे इल्जामात लगाती है। क्या तुम्हारी किरदार कशी की? हमेशा कहती है कि मैं क्या आके पड़ी है, मियाँ को छोड़ के लगता है कहीं और चक्कर चल रहा है। अब मुझे पता है कि कहाँ चल रहा है। देखिए एक मियाँ बीवी की एक प्राइवेसी होती है, हम वो अपने बच्चों को अपनी माँ के घर भेजती है कि मैं कभी अपने शौहर के साथ बाहर जाऊँ। हम उतरते वक्त वालदा से कहते हैं अच्छा वालदा हम जरा बाहर से हो गया, लेकिन ओह आयशा बेटी भी आयशा को भी जरा साथ लेकर चले जाओ। हम अपने बच्चे नहीं लेके जा रहे, इनका बच्चा साथ लेकर जाती है। हमारी हर दफा बहनों ही लेके जाता है, वो समझाए ना कि वो इसको कहीं लेकर जाए। ना वो नौकरी करे, ना वो सेठ साहब राजा महाराजा की परवरिश हुई है, नौकरी नहीं कर सकते हैं। वो कल को घर आके बैठ जाए तुम्हारी बहन, तुम लोग ये चाहते हो दोनों? आज भी तो वो इसी घर पर बैठी हुई है, आज भी तो वो इसी घर पर बैठी हुई, खाना भी रात का यहीं से वहाँ जाता है, वो भी यहीं आता है। तुम्हारे पैसों से बेटा जाता है, मेरे तो मेरे ही अपने घर से आप संभाल सकती है ना उसको, फिर आपको मजीद मुझे बताया आज तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरा खुदा ना खास्ता आंख बंद हो जाए तो तुम मेरी बेटी का क्या करोगे? हम कुछ नहीं करेंगे। 6 महीने में आपने ये देख लिया कि हम आगे के बस मुझे नहीं पता, मुझे अजीब सा बस 6 महीने में आपको और वालिद साहब इंतकाल से पहले बिस्तर पर भी आपको वसवसे नहीं आए? बताए ना आप मेरे आपने कभी नहीं उठाए, आपने कोई लाड प्यार नहीं करा मेरे साथ। अब अचानक क्या हुआ कि अचानक बहन दुश्मन बन गई? अचानक ये तो आप लोग भाभीयों के लेकिन इसका ये तरीका एक तो तुम बड़े भाई को वालिद का दर्जा देती हो, फिर अपनी बेटी के लिए मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। माशाल्लाह आपके बच्चे भी अच्छे हैं, आप खुद भी अच्छी हैं। थोड़ा सा टेंशन कोई असल मसला है नहीं, बेसिकली आप सारा एप्रीहेंशंस के ऊपर चल रहे हैं, यानी खौफ के ऊपर, जो फ्यूचर का खौफ है। अभी एक वक्फा लेते हैं फिर मैं आपको इसमें बताता हूँ, बाकी ये सुन लो। मैंने बचपन से सुना है कि बेटियों को बहनों को देने से रिस्क बढ़ता है, ये आप आजमा के देखो। हम हमने आज तक उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया ना, ये मैंने बचपन से सुना है, हमने अब तक उसको दिया है। अभी एक वक्फा लेते हैं फिर चलाते हैं। अच्छा, तो वक्फे से पहले बात हो रही थी उसके बारे में, जो मतलब मैंने कहा कि बहनों को देने से, बेटियों को देने से रिस्क बढ़ता है, कि हमने बचपन से सुना है अपने बड़ों से, आपको भी ये बता रहे हैं। लेकिन हमने कभी इसको नहीं, इनकार नहीं किया इसको, कभी देने से। मैं बात अर्ज करना चाहूँगा आपसे ख्वाजा साहब के, मेरे वालिद साहब ने जो है मेरी वालदा को जो है मेरे चाचा के थ्रू जो उनके पास जो है वो रकम रखवाई हुई थी 25 लाख रुपए तक की। जब इंतकाल जब हुआ उनका, तो वो पैसे जो है चाचा ने फिर मुझे हैंड ओवर किए कि अपनी वालदा को आप ट्रांसफ़र कर दें। तो वो मैंने जो है 25 लाख रुपए इनको ट्रांसफ़र कर दिए वालदा अब्बू के इंतकाल के बाद। उसके बाद जो है खुफिया तौर पे मेरे वाले साहब ने जो है मेरे चाचा के पास जो है एक इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो रखवाई हुई थी, जिसका मुझे भी इल्म नहीं था। वो जब मुझे मालूम हुआ उसका, तो वो तमाम चीज़ें जो कागजात थे वो भी मैंने अपनी सिस्टर को दिए। इनसे आप पूछें कि मैंने इनको दिए या नहीं। हमने कभी भी उस पैसों में से किसी भी से अपने आप को क्लेम नहीं किया कि हमें इसमें से कोई हिस्सा चाहिए। वो हमारे चाचा के पास हमारे वालिद साहब ने वसीयत की थी कि मेरी इंश्योरेंस के पैसे मेरी बेटी को दे दीजिएगा, और जो मेरे पैसे आपके पास जमा हैं वो मेरी बीवी को दे दीजिएगा। और हम तो आज तक अपने वालिद के कहे हुए अल्फाज पर चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, ये उससे मुकरती जा रही है। देखिए, ये तो मिल गए ना पैसे, वो भी ख्वाजा साहब वो पैसे मेरे हस्बैंड ने वहीं पर लगवाए हुए हैं जहाँ पर हमने नया घर लिया है। एक और जगह, उसी जगह पर सब जा रहा है। वहीं पर वो एक हुआ खुदा देखती भी हो वो फ्लैट। जी जी, मैं देखकर आती हूँ। ऐसा नहीं कि वो तस्वीर में वो हो कोई फ्लैट, वो एक हुआ खुदा हुआ है, बस वो जा रहा है, पैसा जा रहा है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी काम होगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा। अच्छा, वो अभी तक फंसा है। अगर और आप मजीद फंसाते जा रहे हैं। नहीं, वो हम लगा चुके हैं, साथे जा रहे हैं। अब हम उसको निकाल नहीं सकते। अगर हम इस प्रॉपर्टी का इनके बदौलत इसको कुछ दे देते हैं, अच्छा अल्लाह करे अगर इसको वो फ्लैट मिल जाता है, तो ये तो फिर अपने घर में, ये तो वेल सेटेड है ना। ये मैं वही कह रहा हूँ, कब मिलता है वो इसको सेट। अभी भी आपके ससुराल का घर भी तो है ना, वहाँ तो कोई तकलीफ आज तक कभी नहीं रखा उन लोगों ने इसको, कभी नहीं। रखने से मना कर रहे हैं क्योंकि मैं उनको औलाद नहीं दे सकती, तो इस वजह से मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती हैं। अच्छा, ताने कसती हैं, अपनी बेटियों को बुलाती हैं घर में, उनके बच्चों के साथ खेलती हैं, तो फिर वो मुझे बार बार जलाती हैं। जी, बार बार कहती हैं कि तुम तो मेरे बच्चे को कोई औलाद नहीं दे सकती, मैं उसकी दूसरी शादी करा देती हूँ। औरतें नहीं देती, बार बार यही कहती हैं वो कि मैं दूसरी शादी करा देती हूँ, दूसरी। मैं मेंटली डिप्रेस हो चुकी हूँ। और इस पे हमारे ऊपर मैंने भी इसको कभी बोला कर कि ये हमेशा बोला है कि संभालें इसको बैठ के, कभी भी ऐसा नहीं दे सकती। हमें पता है हमारी बहन में बीमार है, अगर वो अपने शौहर को एक विरासत नहीं आगे दे सकती है, तो हम उसका ख्याल रख रहे हैं ना। इतने सालों से हमने ना इसके शौहर को कोई तकलीफ दी, ना इसको कोई तकलीफ दी। अच्छा चले, अगर हम इस जगह का बंटवारा कर भी देते हैं ख्वाजा साहब, अगर हम बंटवारा करते हैं, इसको बेच देते हैं, आज इसको पैसा दे देते हैं, तो मेरी वालदा और मेरी बहन इस चीज की गारंटी देती है कि कल को इसका शौहर इसको वो प्रॉपर्टी पैसे बेचकर या उन पैसों को उड़ाकर इसका ख्याल रखेगा? ये गारंटी सोचें। अभी तो आप जिंदा हैं, अगर मैं पैसे दिलवा भी दूं इनसे अभी, तो ऐसा तो नहीं कि आपका वो दामाद सारे पैसे उड़ा देगा जैसा आप तक किया है। तो नहीं, क्योंकि आप तो गारंटी दे देना, इस चीज की भी हमें क्या करेंगे, वो दिक्कत कारोबार में नुकसान जाहिर कर देंगे। गारंटी तो मैं बेटा नहीं ले सकती, लेकिन ये है कि तुम अपनी है, लेकिन हम तो गारंटी दे सकते हैं कि जब तक हम जिंदा है हम अपनी बहन का ख्याल रखेंगे, हम इस चीज की गारंटी दे सकते हैं। लेकिन मेरा बाद में क्या रखोगे मेरे जाने के बाद? कभी सलाम दुआ नहीं, कभी उठना बैठना नहीं होता, सलाम ना कभी पूछा बहन कैसी, कारोबार में भाई, क्योंकि उनको लॉस हुआ था तो उनके पास सब कुछ भी नहीं बचा। 15 साल लॉस हुआ था, वही लॉस चल रहा है आज तक, इसका सारा लॉस आपसे ही कवर करना है। वही भाई, एक कुआं बना दिया उसने, पैसे जा रहे उसी से फ्लैट निकालेगा वो, आज तक नहीं पता उसका। आप गारंटी दे रहे हैं हम आज प्रॉपर्टी बेच देते हैं, हम रोड पर आ जाएंगे, हम उसकी तमाम चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी वजह से भी हमारी बहन के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, इनके प्यारे पोते रोड पर आ जाएंगे, मसला नहीं है, लेकिन गारंटी दे दे कि हमारी बहन खुश रहेगी। मैंने कब चाहा बेटा कि मेरी जान मेरे लड़के जिगर रोड पर आ जाए? अब तक वो तुम्हारे साथ खुश है, अब तक वो तुम्हारे साथ खुश है क्योंकि उसे एक प्रॉपर्टी का आसरा है, वो इसको रखा हुआ है, उसको एक प्रॉपर्टी का आसरा है, वो भी बिक गई फिर तो वो भाग जाएगा पैसा लेकर, ये क्या करेगी फिर? हम उसको कहाँ रखेंगे फिर? नहीं, अब मैं आपको बताऊं, नहीं मेरे साथ तुम्हारी बहन में कमी होते हुए भी सोचो, उसने 12-14 साल से संभाला हुआ। बात सुनो, आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बाकायदा हिस्सा भी बनता है, कि जो भी प्रॉपर्टियां हैं, आपका जो भी बेटी का हिस्सा होता है, सिंगल हिस्सा, दो भाई है ना, दो और दो चार और एक 5 हिस्से होंगे, तो 5 में से 1/5 हिस्सा आपको मिलेगा। अम्मी का बीच में से निकाल के 1/8, तो आपको तो हिस्सा काफ़ी मिल जाएगा। लेकिन बात वही भाइयों ने की है कि अगर अभी उस आश्रय में वो आपको रख कर बैठा हुआ है कि मिलेगा, अगर वो उसको मिल गया तो क्या है, वो आपको छोड़ छाड़ के, उसकी माँ वैसे कह रही है दूसरी शादी कर लो, तो वो तो निकल जाएगा तुम्हारे ऊपर, क्या है? नहीं, वो नहीं जाएंगे खाजा साहब, वो अब तक नहीं, बड़ा यकीन है उस पे। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी नहीं छोड़ सकते। आपसे मोहब्बत करते हैं, प्रॉपर्टी से मोहब्बत करता है वो, आपसे वो मुझसे ही मोहब्बत करता है। समझ नहीं है, हमने जमाना देखा है, 22 घंटे आंखों से दूर रहती है और ये मोहब्बत करता है उससे। यार ये छोटी सी है, इसको समझती नहीं है। अच्छा बात सुने, आप सुने, आप बड़ी हैं जी, मेरा प्रॉपर्टी मैं नहीं चाहता कि बिके जी, इस वजह से कि प्रॉपर्टी की वजह से इसका फ्यूचर फिलहाल इंटैक्ट है, और वो प्रॉपर्टी में तो इसका हिस्सा सारी उम्र रहेगा जब तक ये जिंदा है, वो चाहे 100 साल बाद भी बिके तो इसको मिलेगा। अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूँ इसकी कोई मंथली इनकम बन जाए जी, तो उसका ये है कि बेटा देखो, अब आपका रेस्टोरेंट है, आपका कोचिंग सेंटर है जी, तो वहाँ से वो जनरेट तो इनकम हो रही है आप लोगों की, दोनों की। अब कोविड खत्म हो गया, आप दोबारा चीज़ें आ गई, आप थोड़ा सा दोनों भाई अपनी अपनी जो जगह यूज़ कर रहे हैं, अपने मन में खुद से कोई उसका रेंट मुकर्रर कर लो कि जैसे 25,000 या 20,000 रुपया महीने का, तो अपना अपना रेंट जो है अगर आप बहन को दे दें, उसकी एक पॉकेट मनी हो जाएगी, तो उसका मियाँ जो है उसको डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो अपनी आज़ाद रहेगी। ठीक है, अम्मी के पैसे तो हैं ही, पेंशन अब्बा की भी है, अम्मी की भी पेंशन है, उसके ऊपर से अगर ये 25-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल गए तो ये कंफर्टेबल हो जाएगी, और एक इसको सिक्योरिटी हो जाएगी कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी से मुझे रेंट आ रहा है। तो अगर आप दोनों अच्छे आदमी हैं, अपने जहन में करके देख लो, चीज़ आपकी अपनी है, बतौर मालिक रह रहे हैं, लेकिन उसमें से आप अपना थोड़ा सा रेंट बना के निकाल लें, बजाय आप किसी से कोई जगह रेंट पे लें, वो तो फिर महीने पे टेंशन होती है। वो भी बात, ये आपने खुद अपनी पॉकेट से अपनी मर्जी से निकालना है, ये कि इसको रेगुलरली देते रहें तो इसका मसला हो जाएगा। अच्छा बेटा एक बात और सुनो, ये तो खैर रेंट वाली बात मैंने कर दी आपकी पॉकेट के मनी के लिए। अच्छा एक बात और सुनो कि आपका तो कोई जिस तरह बताया बच्चा है नहीं, और कोई होने का चांस भी नहीं है, तो अगर प्रॉपर्टी जो आपकी लाइफ में आपके नाम पे होगी, तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, तो आपके बाद कोई इनहेरिटेंस, कोई विरासत लेने वाला ही नहीं है, तो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? मेरे भाई के बच्चों को ही जाएगी, जाहिर सी बात है कि मैं मोहब्बत करती हूँ अपने भाइयों से, उनके बच्चों से, इन्हीं के बस बच्चों जैसा को भी समझे इनको, लेकिन बहन आखिर बहन ही होती है। बेटा देखो कि वो तुम लोग जरा सी बात पे तो अदालत तक हम आ गए, वो देखो किस तरह से तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना चाह रही। दे दो फिर रेंट मुकर्रर कर दो, ठीक है, सही है ना जी, ठीक है, तो एग्री जी सारे लोग जी। तो कितने में तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? अम्मी का पेंशन है वो भी है, अपने लिए कितने चाहिए? जो 1 लाख रुपए महीना, सही है जी? हैं भाई जी, कुछ ज्यादा तो नहीं है? अगर ज्यादा है तो मुझे बता दो, मैं अभी बोल देता हूँ। नहीं सही है, 50-50 हज़ार अगर थोड़ा सा अगर कर लें, थोड़ा कम कर दें, 30-30 हज़ार कर दें, 60 हज़ार ठीक है बेटा मंथली, हैं दोनों भाई आपको पहुँचा देंगे, ठीक है बहन? आप खुश हैं? अब तो आपको गम नहीं है कोई बच्ची का क्या होगा? बिल्कुल हैं? नहीं जी, चले मुबारक हो। ओके बेटा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, पूरी फैमिली अच्छी है। इनको बोले हमसे भी नाराजगी ना करें, कोई हमारी बहन है छोटी है, आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? अपनी बीवी को कहो जरा बच्चे नीचे भेज दिया करें, बिल्कुल अदालत बर्खास्त होती है। ठीक है, ओके।